नमस्कार दोस्तों, इसराइल स्ट्राइक्स यमन। इसराइल जो है स्ट्राइक कर दिया है, यमन पे अटैक कर दिया है और बहुत ही भयानक अटैक किया है। आपको मैं आगे चल के वीडियो भी दिखाऊंगा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयानक यहाँ पे स्ट्राइक किया गया है, एयर स्ट्राइक किया गया है। तो इसराइल यमन पे स्ट्राइक किया क्यों, यमन है कहाँ और हुदीस कौन है, तो आगे चल के हम आपको एक एक करके यहाँ पे बताते हैं। देखिए, यह हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है यमन। जितना भी वर्ल्ड ट्रेड होता है, जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इंडिया का भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो इसी रूट से होता है। आप यहाँ देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग रेड सी। तो वर्ल्ड ट्रेड जितना भी होता है सब इसी रूट से होता है। तो यहीं पे जो यमन है, यमन का आधा हिस्सा जो है वो सरकार चलाती है और ऊपर की तरफ जो साउथ एरिया है ये सरकार चलाती है यमन की, और नीचे जो है नॉर्थ तरफ यहाँ पे हुदीज रेबल जो है, हुदीज रेबल और यमन के बीच में 2004 में लड़ाई हुआ था। तो उसमें बहुत भयानक लड़ाई हुआ था जिसमें से आधा हिस्सा जो है, आधा से ज़्यादा या आधा हिस्सा अभी हुदीज रेबल चलाती है और ऊपर की तरफ जो है साउथ तरफ यमन सरकार चलाती है। तो बोट जो जितना भी यहाँ ट्रेड वाला जाता है उस पर अटैक किया जाता है हुदीज रेबल के द्वारा, किसी भी देश का हो, चाहे इंडिया, इसराइल, यूके, यूएस, किसी भी देश का हो, सभी शिप में ये लोग अटैक करते हैं, हाईजैक करते हैं। और इनका हिस्ट्री भी रहा है, अगर आप पीछे जाके अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो बहुत नुकसान करवाया गया था वर्ल्ड ट्रेड का हुदीज रेबल के द्वारा। ये लोग हाईजैक कर लेते थे और वहाँ जो सिविलियन रहते थे बोट में उनको मार दिया जाता था। इससे बहुत परेशान भी हो गया थे लोग। अभी जो 7 अक्टूबर को अटैक किया गया था हमास के द्वारा इसराइल में, तो उस दिन से लेके यहाँ जितना भी बोट जाता है अभी, अब बहुत कुछ महीने में बहुत न्यूज़ सुनते होंगे कि इस बोट में अटैक हो गया, यहाँ पे हाईजैक हो गया। तो वो जो होता था वो हुदीज रेबल ही करते थे, और हुदीज रेबल खास करके इसराइल के तरफ जो जा रहा है और इसराइल से जो बोट आ रहा है उस पर अटैक करते थे। और अटैक इसलिए करते थे ताकि ये सपोर्ट दिखा रहे थे कि हम हमास के साथ, गाजा के साथ हैं। और आप इस पिक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए ये जो ब्लू एरिया है ये हुदीज रेबल के अंडर में है, और ऊपर जो स्किन कलर में जो यहाँ है ये 2020 का है, पर अभी जो है आधा से ज़्यादा जो एरिया है वो आपका हुदीज के अंडर में आता है। तो अटैक जो हुआ है वो आपका हुदीदिया पोर्ट में किया गया है। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, यह है हुदीदिया पोर्ट, यहीं पे अटैक किया गया है इसराइल मिलिट्री के द्वारा। और ये वीडियो है, आप वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। द हुदीज आर बिलीव टू बी बीन आर्म्ड एंड ट्रेन बाई ईरान। तो इसराइल के मुताबिक जो है हुदीज लोग जो हैं, जो अटैक करते हैं वो आर्म्ड रहते हैं और ट्रेंड किया हुआ है ईरान के द्वारा। इनको ईरान ही है जो फंड करता है ताकि इसराइल पे अटैक कर सके। सिंस अक्टूबर 7, 7 अक्टूबर से लेके जिस समय हमास अटैक किया था इसराइल पे, 7 अक्टूबर से लेके हुदीज जो है अभी तक टारगेट करते आया हुआ है शिपिंग को रेड सी में। तो जितने भी शिप जाते हैं वहाँ पे बार बार अटैक किया जाता है, और ये बोलते हैं कि हम गाजा के साथ हैं। तो उसी से लेके परेशान हो गए थे यूएस, यूके, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया दो अटैक का, जितना जो अटैक किया गया था हुदी रिवेल्स के द्वारा, तो उनको जवाब दिया गया और स्ट्राइक किया गया, हुदीज को टारगेट किया गया, और हुदीज का जो जगह है वहाँ पर टारगेट किया गया यमन में। उसमें जो है इसराइल पार्ट नहीं लिया था। इन एडिशनली इसराइल आर्मी स्पोक्स पर्सन, जो इसराइल के आर्मी स्पोक्स पर्सन है, वो कहते हैं कि मिलिटेंट ग्रुप हैज टारगेटेड, और इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी निकाला गया है, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको वहाँ ट्विटर पे मिल जाएगा। इसराइल के द्वारा, ऑफिशियली इसराइल के द्वारा वीडियो निकाला गया है और उसमें बताया गया है कि हम अटैक किस लिए किए हैं, क्योंकि उससे पहले जो है यहाँ पे इसराइल में बहुत अटैक किया गया था। उस वीडियो में ये भी बताया गया है कि 200 से ज़्यादा यहाँ पे अटैक किया गया था हुदी रिवेल्स के द्वारा इसराइल पर एक ही पीरियड में, इसराइल सिविलियंस पे, इसराइल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और मोस्ट ऑफ दिस लॉन्चेज जो है ये जितना बार भी लॉन्च किए हैं वो इंटरसेप्टेड कर दिया गया है यूएस सेंट्रल कमांड के द्वारा। जितना बार भी लॉन्च किए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यूएस सेंट्रल कमांड के द्वारा उनको मार गिराया गया। द स्पोर्ट्स पर्सन सेड, और आगे भी बोलते हैं कि बट इसराइल एयर डिफेंस जो है वो भी इंटरसेप्ट किए हैं हुदीज ड्रोन को, और हुदीज जो है इसराइल पे ड्रोन के द्वारा ही अटैक किए थे। तो इसराइल का जो एयर स्पेस है उसका अंदर बाहर जितना भी जो मिसाइल और ड्रोन के थ्रू जो अटैक किया गया है उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया है।
तो 200 से भी ज्यादा बार अटैक किया गया है और इसराइल को तो बस एक मौका चाहिए था। इसराइल हमारा जो अभी चल रहा है तो अभी वो मामला लगभग ही ठंडा हो गया है और इसराइल को मौका चाहिए था। मौका मिला तो इसराइल जो है जाके अटैक किया। और ये मामला स्टार्ट हुआ कैसे, ये फ्राइडे को जो है सुबह सुबह ये ड्रोन लॉन्च बाय द यमन ग्रुप, तो यमन ग्रुप के द्वारा ही एक ड्रोन लॉन्च किया गया फ्राइडे मॉर्निंग को, जो कि एक बिल्डिंग में हिट किया तल हबीब में। और तल हबीब जो है वो आपका कैपिटल है इसराइल का, जो कि 100 मीटर दूर ही था। जो बिल्डिंग में अटैक किया गया वो 100 मीटर दूर था, यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी ब्रांच जो है ऑफिस उससे 100 मीटर दूर एक बिल्डिंग था, उसी में अटैक किया गया, जिसमें से एक लोगों का जान चला गया, एक इजरायली नागरिक का जान चला गया और 10 इंजर्ड है। तो इसी से इजरायली सिटीजन जो है बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि अभी तक तल हबीब में अभी तक कोई भी जितना भी लॉन्च किया गया है ड्रोन से मिसाइल से डजन ऑफ टाइम्स मतलब बहुत बार भी अटैक किया गया है, फिर भी अभी तक वहाँ पे किसी को कुछ नहीं हुआ, टच भी नहीं कर पाया, अनटच्ड है अभी तक। हुदीस के द्वारा किया गया, हिजबुल्ला लेबनान के द्वारा किया, पर अभी तक तल हबीब में कुछ नहीं हुआ था। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि हुदीस अटैक किया है तल हबीब में और वहाँ पे एक लोगों का जान चला गया है। और बताया जा रहा है कि जो ड्रोन से अटैक किया गया वो ड्रोन जो है 1800 किलोमीटर दूर जाके अटैक किया गया। तो सोचिए कि यमन कहाँ पे है, इसराइल कहाँ पे है, उतना लंबा डिस्टेंस को ट्रेवल किया है गया है। बताया जा रहा है, अब नहीं मालूम वो इसराइल के अंदर से ही ड्रोन उड़ाया या फिर बगल देश से उड़ाया, पर बताया जा रहा है अपने देश से 1800 किलोमीटर दूर जाके अटैक किया। तो इसराइली मिलिट्री सेड इट बिलीव्स द ड्रोन वॉज वेरियंट ऑफ ईरान, जो ड्रोन है वो ईरान का ही है, ईरान बनाया है उस ड्रोन को, उसका नाम है समाद ट्री। इस ड्रोन को ट्विक किया गया है, थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है ताकि इसका रेंज बढ़ाया जा सके, इसका डिस्टेंस बढ़ाया जा सके, डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। और इसके रिस्पांस में जो तल हबीब में अटैक किया गया हुदीस के द्वारा, इसके रिस्पांस में इसराइली मिलिट्री जो है वो फाइटर जेट से जाके बम गिरा के आए और आसानी से गए और बम गिरा के आए यमन पोर्ट में। यमन पोर्ट में कहाँ पे, हुदीदे पोर्ट जो है वहीं पर गिरा के आए, जिसमें से 6 लोगों का जान चला गया है और 12 लोगों से भी ज़्यादा यहाँ पे इंजर्ड हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि इसराइल जो है वो वहाँ के नागरिक पे बम गिराए हैं, स्ट्राइक किए हैं, नहीं, सिविलियन पे बम नहीं गिराए हैं। इसराइल स्ट्राइक विच ऑल्सो हिट फ्यूल डिपोट्स, इतना जो आप वीडियो में आग देखे हैं, आग जो लगा हुआ इतना, वो कारण इसी का था कि वहाँ जो फ्यूल डिपोट्स वहाँ पर भी स्ट्राइक किया गया पोर्ट में, तभी जाके इतना मैसिव फायर जो आपको दिखा वो इसी कारण से हुआ। और इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो है, आप ये ट्विटर पे जाइएगा, ये ट्विटर हैंडल पे, तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा स्पेशली जो निकाला गया है इसराइल की तरफ से क्यों अटैक किया गया। और 1 लोगों का जान गया है और वही 1 लोगों का जान के कारण ही इसराइल जो है अटैक किया। अब सोचिए कि 1 लोग का जान के लिए वो 1800 किलोमीटर दूर जाके एयर स्ट्राइक कर गया है। तो यहाँ पे जो अटैक किया गया है, इस ऑपरेशन का नाम भी दिया गया है इसराइल डिफेंस फोर्सेज के थ्रू, ऑपरेशन आउट स्ट्रेच आर्म। तो इसका मतलब है इसराइल का जो हाथ है वो और लंबा खींचा गया है, स्ट्रेच हो गया, लंबा हो गया है। तो इसका कहने का मतलब है कि इसराइल का नागरिक पे कोई भी हमला करता है, कोई भी देश, और हमला करके वो चाहे कहीं भी छिप जाए, देश का कोई भी कोना में छिप जाए, जो इसराइल मिलिट्री है वहाँ जाके एयर डिफेंस जो है जाके हमला करके ही आएगी, एयर स्ट्राइक करके ही आएगी। क्योंकि आप अभी देख सकते हैं 1800 किलोमीटर दूर जाके एक नागरिक के लिए, इसराइली नागरिक के लिए स्ट्राइक करके आई है। तो इससे यही पता चलता है कि इसराइल जो है आगे चल के कोई भी अगर इसराइली नागरिक पे हमला करता है तो इसराइल उसको छोड़ेगा नहीं। और ये आपको लग रहा है कि मैं बना के बोल रहा हूँ, ये कोई बना के नहीं, आप इसके जाके हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। इसराइल के पिलियर पे भी अटैक हुआ था, इसराइल ने चुन चुन के बदला लिया था, तो आप जाके पढ़ भी सकते हैं। और ये फाइटर जेट का जो नाम है F-35 स्टेल्थ। तो ये F-35 फाइटर जेट जो है ये US मेड है, US के द्वारा बनाया गया है, और इसी से जो है हुदीस पे अटैक किया गया। हुदीस का जो डिफेंस सिस्टम है वो इसको पकड़ नहीं पाया। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा।